अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार जैन के मुख्य आतिथ्य में ब्राइट कैरियर एकेडमी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए न्यायाधीश पंकज जैन ने कहा कि नागरिकों को मौलिक अधिकार और मौलिक सुविधाएं सुचारू प्रदत्त हो सके, इसके लिए तीन संस्थाएं विशेष रूप से कार्य करती हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में जानते हैं। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए इन तीनों के बीच संतुलन आवश्यक है। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उपस्थित रहती है। विधायिका के अंतर्गत हमारे दोनों सदन, उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा आते हैं। न्यायपालिका संविधान में लिखे कानून का पालन स्वयं करते हुए सबसे कराने के लिए प्रतिबद्ध रहती है। इन तीनों के बीच में संतुलन जरूरी है। न्यायाधीश पंकज कुमार जैन ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया और संविधान के महत्व को भी विस्तार से विद्यार्थियों को समझाया। इस अवसर पर एकेडमी के संचालक डॉक्टर सुधीर आचार्य ने भी बच्चों को संबोधित किया। ये मैं पूछूंगा भी सही आपसे कि मैंने क्या बताया था, हैं? इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। तो हमारे देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? हमारे देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। सुना है संविधान का नाम आपने, है ना? तो देश का सबसे बड़ा कानून है हमारा संविधान। और दूसरा विषय ये है कि संविधान की आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई, ठीक है? तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा देश सैकड़ों वर्षों की गुलामी सहने के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके कुछ समय पूर्व से ही अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया था कि इस देश के जवान ना केवल साहसी है, ना केवल शूरवीर है, बल्कि इनकी बौद्धिक क्षमता भी काफ़ी उच्च श्रेणी की है और ये वीर जवान अब शिक्षित हो चुके हैं, इसलिए इस देश पर अब अधिक समय तक शासन करना हमारे लिए संभव नहीं है।